दो खबरें नंदीग्राम में आप मौजूद है, वहीं से आ रही है शुभेंदु अधिकारी, चुनाव लड़ रहे वहां से। और खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी भी उस वक्त काफिले में मौजूद थे, गाड़ी में मौजूद थे, ये बताया जा रहा है। उन पर भी हमला हुआ है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं, और आरोप ये है, खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग की गई है, बीजेपी के द्वारा बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो बूथ बूथ जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं, लगातार मीडिया कैमरे फॉलो भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी हमने दिखाई आपको कुछ देर पहले, उनके काफिले को निशाना बनाया गया है, उनके काफिले पर हमला किया गया है। यह कितना गंभीर हमला है, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी आ गए फोन पर बता रहे हैं। अनुपम बताइए, क्या खबर आ रही है आपके पास इस हमले को लेकर? देखिए बिल्कुल रोहित, ब्लॉक एक जो है नंदीग्राम का, वहां पर शुभेंदु अधिकारी सुबह से ही बूथ बूथ का दौरा कर रहे थे, तो जब ताब्याचा इलाके के पास से वो गुजर रहे थे, रास्ते पर ही पथराव हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पहले ही निकल गई, लेकिन पीछे काफी सारी मीडिया की गाड़ियां हैं, तो उनमें कुछ गाड़ियों में ईंट पत्थर लगे हैं और उनमें तोड़फोड़ हो गई है, जो कांच है वो टूट गए हैं। हालांकि जो शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी थी, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी आगे निकल गई, जो पीछे जो काफी लंबा काफिला था उसमें से कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, पत्थर फेंके गए हैं। दरअसल सड़क के दोनों ओर से पथराव किया गया है, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी जो पहले थी वो तो पहले निकल गई, लेकिन पीछे की जो गाड़ियां थी वो उसकी चपेट में आ गई। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया बड़ा नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग का। जी बिल्कुल, सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, नंदीग्राम ही नहीं पूरे पूर्व मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कई जगह आरोप लगाए जा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। और इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम कई जगह फेल हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी साजिश है और शिकायत भी दर्ज कराई गई है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो ये आरोप प्रत्यारोप सुबह से ही जारी है। तो अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं नंदीग्राम से खबर, जहां आरोप तृणमूल कांग्रेस पर है, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथरा हुआ, हालांकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी निकल चुकी थी। जयंत, तो दादा आप इस पर क्या कहिएगा? हाँ। साथ साथ मैं पुलिस को और सीआईएफ को भेजा, हाँ। उसको रेस्क्यू करने के लिए, हाँ। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है, ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है, ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेकी कर रहा है, इसलिए मैं बहुत आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जय श्री राम। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, उनके काफिले पर हमला हुआ है। मनीषा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं शुभेंदु अधिकारी की बात पर, बोलिए, उसके बाद जयंतों के पास चलते हैं। शुभेंदु जी तो सीधा सीधा एक समुदाय का नाम ले रहे हैं और जय बांग्ला और बांग्लादेश का नारा है से उस समुदाय को जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक अंग और हिस्सा बन करके हमारे राष्ट्रीय नायक बन करके उन्होंने अगुवाई की। उन्होंने ये भी बताया कि इस संग्राम के वो हिस्सेदार थे और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के स्तर पर समर्थक रहे। तो ये क्या बात है कि वही आइडियोलॉजी जो है नंदीग्राम तक पहुंचते पहुंचते उसका कुछ ऐसा नंदीग्रामिफिकेशन हो गया है कि ग्राम की आइडियोलॉजी अलग और राष्ट्र की आइडियोलॉजी अलग, तो ग्रामम गंतुम तृणम स्पृशति, कर क्या रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी, किधर की आइडियोलॉजी है, वो तो अपनी कुछ बात बोल जा रहे हैं। लेके जय बांग्ला से परहेज क्या, बांग्लादेश से परहेज क्या, बांग्लादेश को लेके तो आपने पूरे चुनाव प्रचार में अब तक देखा भी कि बीजेपी लगातार निशाना साधती रही कि ये बांग्लादेशियों को बुला रहे हैं, बांग्लादेशियों से प्रचार करा रहे हैं, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को ये वोटर बनाना चाहते हैं, मुक्ति वाहिनी संग्राम को वो करके प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, सामने दिख ही रहा है इसमें कोई प्रधानमंत्री की मटुआ समुदाय की जो पूजा रही उस दिन, जो मटुआ समुदाय की पूजा रही पहले दौर के चरण के मतदान के दिन, उसको लेकर तो तृणमूल कांग्रेस गई है चुनाव आयोग के पास। एक बार जयंतों का कमेंट लेते हैं, उसके बाद आप बोले इस पर। जयंतो बोलिए। नहीं, मैं शुभेंदु जी का ये बात सुन के मुझे लगता है कि शुभेंदु थोड़ा डिस्पेरेट ज्यादा ही दिखाई दिया इस ये एक्सप्रेशन में, हाँ।
और ये एक्सप्रेशन देख के लगता है कि हिंदू वोट का जो कंसोलिडेशन शुभेंदु ने सोचा था, हाँ। अगर हिंदू वोट कंसोलिडेशन नहीं होगा और ममता का भी एक लायन शेयर हिंदू वोट का मिलेगा, हाँ। और देखिए सिद्दीकी ने कैंडिडेट नहीं दिया मुस्लिम कैंडिडेट, तब तो शुभेंदु के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। दिलीप घोष आ गए हैं फोन लाइन पर, इसीलिए आप भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो उनसे पूछ लीजिएगा। बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष। जो खबर आ रही है शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? जानकारी आई आप तक कि नहीं? नहीं देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं, अभी केस सुन के हमारे जो केंद्रीय रूपों के अंदर भी ईटा पत्थर मारा जा रहा है।